हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको लॉन्ग फ्रॉक गाउन बनाना बताने वाली हूँ। मेरा जो फैब्रिक है वो मैंने रियॉन फैब्रिक 5 मीटर लिया है और 80 सेंटीमीटर का एक फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पर कपड़ा लिया है जो कि सिंपल हमें मिल जाता है। 80 सेंटीमीटर का जो मिलता है ना वो मैंने ले लिया, और यहाँ पर रियॉन फैब्रिक लिया है वो है 5 मीटर। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने ये गाउन बनाया, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो मेरा फैब्रिक है उसे मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। 4 फोल्ड करके मैंने इसलिए रखा है ताकि मुझे ज़्यादा घेर वाला बनाना है, और मैंने 5 मीटर कपड़ा लिया है। अगर आप कम घेर का बनाना चाहते हो, सिंपल बनाना चाहते हो, तो आप डबल फोल्ड करके और सिंपल कम फैब्रिक में बना सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले कोने पर हम क्या करेंगे कि हमारी जो कमर है ना उसका निशान लगाएंगे। तो इसे आप ध्यान से देखें कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ 5 इंच लेना है। यहाँ पर 5 इंच पर इस तरीके से गोल निशान आप देख सकते हो, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ उस तरीके से आपको लगा लेना है। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर एक निशान लगाना है। अगर आपकी कमर 30 से ज़्यादा है ना तो आपको 5 इंच लेना, अगर 30 से कम है तो आप 4 या 3 ऐसे ले सकते हो। और इस तरीके से इसे मेजर कर लेना है कि कितना आ रहा है, और आपकी कमर में मतलब कितना आ सकता है वो आपको देख लेना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपकी फुल लेंथ घेर की है ना, घेरे की जो आपकी लेंथ है ना उसके अंदर आपको इसी जो 5 इंच का हमने कर इसे लगाया निशान, इसको उसके अंदर जोड़ लेना है। और जितना भी आ रहा है ना आपका, यहाँ पर इस तरीके से आपके घेरे के अंदर इस 5 इंच को भी जोड़ लेना है, और उसे यहाँ पर ऊपर के साइड पे ऐसे रखना है। इस तरीके से रखकर और पूरे घेरे के अंदर हमें निशान लगा लेना है। यहाँ इसे ऊपर रखकर पूरे में इसे पकड़कर निशान लगा लेना, जो बहुत ज़्यादा इजी होता है इस तरीके से घेरे का निशान लगाना। और वो ऊँचा नीचा बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता अगर इस तरीके से हम निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर पूरे में हमको निशान लगा लेना है। यहाँ पर मैंने इसमें पूरे में निशान तो लगा लिया, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग भी बस निशान जो हमने लगाया है ना उस पर हमें सबसे पहले हम कमर जो है कमर का निशान लगाया था हम उसे कट कर लेंगे। उसको कट की करने के बाद में हम घेरे को कट कर लेंगे। घेरे हमारे जो है ना वो 2 कट होने वाले हैं, क्योंकि हमने 4 फोल्ड करके कपड़ा रखा था और हमने करा है तो ज़्यादा घेर वाला हमें चाहिए गाउन, तो इसलिए यहाँ पर 2 घेर हमारे निकल के आएंगे। इस तरीके से जो घेर है ये हमारा कट के तैयार हो गया है, 2 घेर हमारे निकल गए। और अब हमें इसकी चोली कट करनी है। घेर तो हमारा कट हो गया, अब हमें इसकी चोली कट करनी है। ऊपर के साइड का जो पार्ट होता है ना हमें वो कट करना है। तो हमें देख लेना है कि आपको कितनी लेंथ रखनी है। तो यहाँ पर मैं मुझे जो रखनी है ना वो 16 इंच है। आप कितनी भी रख सकते हो, 13, 14, 15, तो मैं 16 इंच रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरी हाइट जो है वो ज़्यादा है इसलिए मैं ज़्यादा रख रही हूँ। तो यहाँ पर शोल्डर का जो हाफ होता है ना वो हमें ले लेना है। हाफ है मेरा 6 इंच, और यहाँ पर मतलब मेरा जो शोल्डर है ना वो भी मैं 3 इंच का रखूँगी, जो गला है ना वो भी 3 इंच का रख लूँगी। और यहाँ पर आर्म होल भी आपको आपके नाप लेने कितना है और वो आपको लेना, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया अपना आर्म होल। आर्म होल लेने के बाद में हमें देख लेना हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और उसके अंदर 1 इंच ऐड करना है, क्योंकि हमारा स्टिचिंग में भी जाता है इसीलिए उसका चेस्ट का 4th पार्ट। और मेरी कमर का जो 4th पार्ट था ना वेस्ट का, वो मैंने ले लिया है और उसके अंदर 1-1 इंच बढ़ाकर ले लिया और इसकी कटिंग कर ली। सिंपल है कटिंग करना भी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मेरी इसकी कटिंग कर ली, ऊपर के साइड के पार्ट की जो है कटिंग कर ली। अब इसके अंदर जो हम अस्तर लगाने वाले हैं, अस्तर को भी मैंने इसके ऊपर से सिंपल बस रखा और अस्तर को भी मैंने कट कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, अस्तर को और हमारा जो मेन फैब्रिक है ना इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। तो इसको इस तरीके से जोड़ना है कि इसके अंदर ना हमें पूरे पे सिलाई लगा लेनी है सब दूर से, क्योंकि हमें क्या कि हम जो हमारा नेक है ना दोनों साइड के वो हम कैनवास से बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने इसे पहले से जोड़ लिया। कैनवास से नेक कैसे बनाते हैं ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका मतलब आपका जो नेक है आपको लेना है ना वो आप ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच लिया है, और लंबाई भी आप आपके हिसाब से रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लंबाई भी मेरे हिसाब से मेरी जो है 6 इंच ले ली है। 6 इंच मैंने यहाँ पर लंबाई ली है और 3 इंच चौड़ाई ली है। तो यहाँ पर आप किस कैसा भी शेप दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। वी शेप, गोल शेप, या फिर कोई सा भी शेप आपके हिसाब से आप गोल मतलब कैसा भी गला कैनवास की मदद से वो बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग वाला बन जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर ये जो इससे इस शेप का मैंने अपना जो नेक है वो बना लिया है। अभी सिंपल बस इसे कट कर लूँगी, और सेम इसी तरीके से मुझे अपना जो बैक वाला नेक है ना वो भी मैं सेम इसी तरीके से कट करूँगी। जितना भी आप चाहते हो, यहाँ पर 10 इंच का मैंने लिया है, 10 इंच का मैंने लिया है। यहाँ पर अपना बैक साइड का जो नेक है ना वो 10 इंच का ले लिया है, और इस तरीके से मैं इसे भी ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद में इसे भी कटिंग कर लूँगी। और कट करने के बाद में हमें इसे फैब्रिक के ऊपर चिपकाना है।
ये तो बात आप सभी को पता होगी कि मतलब कैनवास को हम फैब्रिक के ऊपर चिपकाते हैं, तो यहाँ पर मैंने प्रेस की मदद से यहाँ पर चिपका लिया है अपना कैनवास जो है, जिसकी मैंने नेक की कटिंग की थी। उसे चिपकाने के बाद में हमें जो हाफ हाफ इंच हमने इसकी कटिंग करने के बाद में जो हाफ इंच हमने छोड़ा है ना साइड में, उसे कैनवास के ऊपर रख कर हमें उसकी स्टिचिंग कर लेनी। स्टिचिंग करने के बाद में हम कैनवास को हमारी चोली के अंदर कैसे लगाएंगे, नेक कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। इसे इसे पकड़ कर इसका सेंटर में ना हमें एक कट लगाना है, और ये इस तरीके से इसे इसके अंदर भी हमें इसको ऐसे पकड़ कर इसके सेंटर के अंदर एक कट लगा लेना है। ये इसीलिए ताकि हमारा जो नेक है ना वो एकदम सेंटर में, मतलब दोनों चीज़ बराबर में ठीक से रखाएं। इसलिए तो यहाँ इस तरीके से इसे रख कर इसमें सीधी सिलाई लगा लीजिए आप पहले, और फिर पूरे में इसे सिलाई लगा ली, या फिर पिन अप करके भी आप लगा सकते हो। पर सिलाई करके लगाएंगे तो वो कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, ऊँचा नीचा, और सीधे से आपकी सिलाई लग जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पहले सेंटर में से सिलाई लगाई, उसके बाद में आइट साइड की सिलाई लगा कर अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और हाफ हाफ इंच का कपड़ा हमें छोड़ना है ताकि हम इसके अंदर कट्स लगा सकें। तो ये कट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमारे नेक में फिनिशिंग आए। तो यहाँ पर मैंने कट भी लगा लिया, और अब मैं इसे इस तरीके से इसके अंदर की साइड में इसे फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड कर लेने के बाद में हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है सिंपल, बस यहाँ पर इस तरीके से इसे यहाँ से यहाँ तक पूरे में अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हमें अच्छे से सिलाई लगानी है पूरे में। सिलाई लगा लेने के बाद में आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो आपके नेक में जो एक साइड से वो बचा हुआ होता है, पर अगर आप चाहो तो सिलाई लगा सकते हो या फिर तुरपाई भी कर सकते हो। पर मैं यहाँ पर बस सिलाई लगाऊंगी, तुरपाई नहीं करूँगी। अगर आप चाहो तो आप उसके अंदर तुरपाई भी कर सकते हो हाथ से, पर मैं यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ जिस तरीके से मैंने फ्रंट वाला नेक बनाया उसी सेम तरीके से मैंने बैक वाला नेक भी बना लिया है। आपने अगर फ्रंट वाला देखा है तो आपको बैक वाला भी बनाना आ ही जाएगा, आपको पता है किससे मैंने बनाया। तो यहाँ पर मेरे जो दोनों नेक है वो बनकर तैयार हो गए हैं, और अब हमारी स्लीव जो है वो कट करेंगे। तो स्लीव जो है वो मैं एकदम सिंपल बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके नीचे का जो ऊंचा नीचा कपड़ा है ना, मैं उसको कट कर लूँगी ताकि ये बराबर हो जाए। बराबर करने के बाद में आपके जो जितनी भी आप स्लीव चाहते हो ना, उसकी चौड़ाई आपको आपके आर्म होल के हिसाब से देख लेनी है कितनी लेनी है, और लंबाई आपको देख लेनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पर तैयार चाहिए 13 इंच की, मेरी जो स्लीव है वो 13 इंच की मुझे चाहिए, और इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब 13 इंच में थोड़ा सा बढ़ा कर रखा है। पहले मैं इसे कट कर लूँगी। यहाँ पर एक वेस्ट कपड़ा जो था वो मैंने कट कर लिया। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसे इस तरीके से रखना है, और उसके 3 इंच नीचे हमें यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। 3 इंच नीचे निशान लगाने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका वेस्ट कपड़ा है ना, आपको वो हटा देना है काट के। तो यहाँ पर 3 इंच पर जो मैंने निशान लगाया था उसे थोड़ा सा डार्क कर लूँगी। उसके बाद में ऊपर से हमें सिंपल बस इसे ऐसी सिंपल सी गोलाई देनी है। स्लीव के अंदर हम जैसे देते हैं उसी तरीके से स्लीव को कट करने का तरीका मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। इसी तरीके से मैं अपनी जो स्लीव है वो कट करती हूँ, और यहाँ पर आपको देख लेना है, नाप लेना है कितना क्या आता है, और वो ले लेना आपको उसका फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर भी मैंने ले लिया है, और इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा बढ़ा कर लिया ताकि मेरा जो स्टिचिंग में भी हमारा कपड़ा आपको पता ही जाते ही, इसलिए थोड़ा बढ़ा कर लिया। और अब इसके बॉटम साइड में ना हमें यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड पे मैंने सिलाई लगा लिया है, यहाँ पर सिलाई लगा ली। उसके बाद में हमारा जो चोली है उन दोनों के शोल्डर्स को जोड़ लेंगे, शोल्डर को यहाँ पर जोड़ लेंगे, स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में हमारी स्लीव जो है उसे लगाएंगे। तो हमारा जो चोली है ना वो शोल्डर साइड से हमें उसको इस तरीके से सीधा रखना है, और हमारी जो स्लीव है उसको ऐसे उल्टा करके हम लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको स्लीव को इस तरीके से पकड़ लेना, और इसका सेंटर जो है ना उसे आपको देख लेना, और उसको उसके शोल्डर के जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर रखना है, इस तरीके से नाप लेना है। और इसी तरीके से आपको स्लीव जो है ना वो पूरी अपने शोल्डर के अंदर अटैच करनी है, तो अच्छे से बराबर से लगेगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ना, उसी तरीके से आपको दोनों ही स्लीव को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर जो मेरी पहली वाली स्लीव है उसको पहले मैं कर लूँगी, फिर दूसरी वाली को भी कर लूँगी, फिर उसके बाद में हम हमारा जो घेरा है ना उसको हम हमारे चोली के अंदर लगाएंगे, मतलब स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरी स्लीव थी ना वो मैंने लगा ली है दोनों ही साइड की। यहाँ पर इस तरीके से स्लीव जो है दोनों साइड की लगा ली, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो उसको पहले हम
अब हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे से इसे रख लेंगे। उसके बाद में हमें हमारी चोली को सीधा रखना है और हमारा जो घेरा है ना, घेरे जो हमने दो कट किए थे उन दोनों को अलग अलग दोनों साइड पे अटैच करना है। तो यहाँ पर हमारे घेरे को चोली के ऊपर ही हमको उल्टा करके इस तरीके से रखना है और पूरे में हमें डबल डबल सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर जो घेरे की जो सिलाई थी ना, वो भी मेरी लगकर तैयार हो चुकी है, मतलब लगा लिया है मैंने। और अब हम इसकी जो फिटिंग की जो सिलाई होती है ना, वो लगाएंगे। पहले तो हम सिंपल एक सिलाई पूरे यहाँ से लिया लेकर पूरे नीचे तक में सिंपल सिलाई लगा लें। सिलाई लगा लेने के बाद में हम हमारी जो फिटिंग की सिलाई है ना, वो हम बाद में करेंगे। और उसके फिर यहाँ तक पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी। सिलाई लगाने के बाद में मैंने पूरे में सिलाई लगा लिया है। उसके बाद में हमारा जो ये फ्लोर साइड है ना, बॉटम साइड मतलब नीचे का जो हिस्सा होता है ना, जिससे चाहो तो आप पिको करवा सकते हो या फिर आप इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हो। मैं यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके इसको सिलाई लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा जो गाउन जो है वो पूरा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसका फाइनल लुक जो है वो ऐसा है, आप देख सकते हो। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी हो तो उसके लिए थैंक यू।